गाइस, दिस पूजा वेरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अपने ओल्ड पिक्चर्स में। नाउ आई नो सबके ओल्ड पिक्चर्स काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होते हैं एंड मेरे तो काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा लिटरली आपको फील होगा क्या से क्या हो गया देखते देखते। सो या आई होप आपको ये वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा आए। मेक श्योर यू गाइस ग्रैब अ पॉपकॉर्न एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, कमेंट यूजिंग द हैशटैग YouTube era fam, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब, लेट्स मेक इट टू 30 के। बोल बोल के मैं पछता रही हूँ अभी लिटरली। एंड मेक श्योर यू गाइस लाइक प्लीज इस वीडियो को, बिना लाइक किए मत जाना। एंड विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ऑलराइट, सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने बचपन के पिक्चर्स से। सो द फर्स्ट पिक्चर विच यू गाइस कुड सी, आई विल बी पॉपिंग इट राइट हियर। सो एज यू गाइस कुड सी आई एम वेयरिंग अ वेरी नाइस फ्रॉक, एकदम बारबी डॉल टाइप्स। एंड ऑल्दो आई डिडंट लाइक माय स्माइल, लिटरली मैं ऐसे स्माइल करी मतलब अभी तो आई डोंट थिंक सो आई वुड बी एबल टू स्माइल लाइक दिस। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल पिक्चर इज कि मैंने इतना सुंदर सा जो ड्रेस पहना है, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से उसकी बेइज्जती की है बाय वेयरिंग अ गजराज। आई डोंट नो यार मॉम लोगों को क्या हो जाता था बचपन में, वो लोग हर अपने बर्थडे में कपड़े तो भले बहुत अच्छा बनाते थे बट ऐसा ये पूरा गजरा वगैरह लगा के पूरा लुक का डैश कर देते थे। सो आई डिडंट लाइक दिस पिक्चर एट ऑल एंड आई डोंट थिंक सो आई लुक लाइक दिस नाउ। Now the next picture is actually a family picture, जिसमें you guys need to spot me right here. अभी जाके comment कर दो what you guys think इसमें से मैं कौन सी वाली हूँ। So as you guys could see in the picture, my mom is looking very pretty in this grey saree. I have my elder sister, younger sister and मैं हूँ वही गाउटी सी लड़की एक कोने में खड़ी हूँ जिसने पहना है मस्त सा सूट एंड सूट के साथ उसने पैर किया है विथ वेरी ओह माय गॉड हाउ टू एक्सप्लेन इट, मुझे लिटरली बहुत हंसी आ रही है। मैंने वो मोती वाले नेकलेस पहने, जो नौवारी साड़ीज होते हैं ना महाराष्ट्र लुक में जो ज्वेलरी पहनी जाती है, मैंने उसको लिटरली वेयर किया है विथ दिस गॉर्जियस व्हाट टू से फॉर्मल अटायर। एंड आई थिंक वॉट यू गाइस थिंक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज अगेन अ फैमिली पिक्चर, इसमें एज यू गाइस कुड सी माई मॉम बींग द सुशील लेडी, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आई हैव माई एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, शी इज लुकिंग वेरी वेरी क्यूट। एंड मैं वहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लेस एकदम खड़ी हूँ बस कैमरामैन के सामने। वो कब से बोला जा रहा था मैडम प्लीज थोड़ी सी स्माइल कर दो, बट आई डोंट नो आई वाज सो मच कंजूस, मैंने बिल्कुल भी स्माइल नहीं की एंड मैंने ये पूरा फैमिली पिक्चर बहुत अच्छे से बिगाड़ दिया है। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर विच आई हैव इज अ पिक्चर विथ माई मॉम एंड माई यंगर सिस्टर। इसमें से आप गेस कर सकते हो मैं कौन हूँ, प्लीज गेस कर लो। आई थिंक नेहा और मैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं एंड मॉम वंस अगेन शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी ओ माई गॉड। एंड मैं तो जैसे बिना ज्वेलरी के कोई फोटो निकाल ही नहीं सकती, जैसे कि आप देख सकते हो एक नेकलेस पहना है, बिंदी पहना है, बैंगल्स पहना है, मतलब एकदम बन ठन के तैयार होकर मैं आई हूँ फोटो निकालने के लिए। बट दिस टाइम आई एम स्माइलिंग अ लिटिल बिट, सो या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। ओवरऑल आई थिंक ये पिक्चर काफ़ी क्यूट है एंड आई लव इट। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज एक्चुअली माई सोलो पिक्चर, जिसमें आई एम वेयरिंग दिस वेरी ट्रेंडी डेनिम का फ्रॉक विच आई थिंक इज अ वेरी क्यूट फ्रॉक। आई विश कि मुझे ये फ्रॉक अभी मिल जाए तो आई वुड लव टू वेयर इट, बट क्या आप मेरे हेयर स्टाइल को देख सकते हो, आई डोंट नो क्या हो गया है, ये मतलब लिटरली लड़का लग रही हूँ, मुझे तो यही फील हो रहा है एंड आई एम एक्सप्रेशन लेस। एंड बोला कि भैया फोटो ही निकाल ले तू, तेरे बिल्कुल भी फोटो नहीं है। सो या आई थिंक पुतले जैसी बस खड़ी हूँ एंड फोटो निकाल लिया है एंड नो एक्सप्रेशंस। चलो अभी चाइल्डहुड तो हो गया, लेट्स मूव ऑन टू डिप्लोमा के फोटोज। नाउ द फर्स्ट पिक्चर विच आई हैव फ्रॉम माई डिप्लोमा, मतलब बचपन में भी एटलीस्ट मॉम ने थोड़ा सजा धजा के थोड़ा बढ़िया तो दिखाया था, बट नाउ ओ माय गॉड लुक एट द डोंगर, लुक एट द चश्मा, लुक एट द कपड़े। आई वॉज इन टू अ गवर्नमेंट कॉलेज सो दैट्स आई एम वेयरिंग दिस कपड़ा ऑलरेडी, मतलब गांव की बंदी में मैंने
एंड यू नो व्हाट, ये जो डिप्लोमा कॉलेज था उसमें ये जो पफ काइंड ऑफ हेयर स्टाइल है ये मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, एंड मैं इतनी ज़्यादा प्राउड थी ना उस वक्त कि ओ माय गॉड, मैं तो चार चांद लगा रही हूँ खुद के खूबसूरती पे. एंड बस मैंने सबको सिखा दिया था पफ हेयर स्टाइल कैसे करना है, सब डिप्लोमा कॉलेज में यही करते थे. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई थिंक ओ माय गॉड, यू लुक सो बिजार, प्लीज इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस प्लीज. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज अगेन फ्रॉम माई डिप्लोमा. नाउ इस बार मैं ना एक कहाँ पे गई थी, पिकनिक को गई थी, बेसिकली पूरा कॉलेज गया था साथ में, इंडस्ट्रियल विजिट कहते जो उसमें गई थी. एंड एज यू गाइस कुड सी भाई क्या ही पोज दिया है मैंने, एंड ओ माई गॉड अगेन दैट सेम डोंगर विथ अलग स्पेक्स एंड नो लिपस्टिक, एकदम विधवा लग रही हूँ मैं. एंड आई डोंट थिंक सो कि उस वक्त कोई लड़का मुझसे पट पाता, बिकॉज यू गाइस कुड सी आई लुक सो हॉरिबल, लिटरली उल्टी यहाँ तक आ चुकी है मेरे, लड़के तो ऐसे यू देख के रिजेक्ट करे मुझे, ऐसी दिख रही हूँ मैं. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर विच आई हैव इज अगेन डिप्लोमा का पिक्चर. नाउ यार डिप्लोमा के वक्त ना हम लोग ऐसे कॉलेज वॉलेज कभी कभार बंक कर देते थे, एंड उस वक्त हम सब ने डिसाइड किया कि चलो भाई बैंड स्टैंड चले जाते हैं यार, बहुत हैपनिंग प्लेस है. तो बैंड स्टैंड में काफ़ी फ्रेंड्स हम गए थे, बट और कुछ दो फ्रेंड्स थे उनके साथ मैंने पिक निकाला, और हमने ये डिसाइड कर रखा था कि भाई अभी एक पिक निकाल लेते हैं, 10 साल बाद पिक्चर्स निकालेंगे, बिफोर एंड आफ्टर करके लगाएंगे फेसबुक पे, तो यार मज़ा आ जाएगा, देखेंगे हम कितना ज़्यादा चेंज हुए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. सो वो एक्साइटमेंट में हमने खींच लिया एक पिक्चर. नाउ एज यू गाइस कुड सी पोज करने का मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, बट ओ माय गॉड मैं तो निकली एकदम फुस्की बॉम्ब. एंड यार मेरे को मम्मा ने तभी खाना खाने को दिया ही नहीं, ऐसे लिटरली मुझे फील आ रहा है फोटो देख के, भाई इसको थोड़ा खाने दे देते तो शायद थोड़ी बढ़िया दिखती. एंड द पेटेंट पफ हेयर स्टाइल हैट्स ऑफ. सो As you guys could see, after तो काफ़ी drastic change है मेरा, and I am so so proud of how do I look right now. Now the next picture is actually from my degree वाला time. Again, degree के first year में puff hairstyle तभी भी मैंने कायम रखा था अपना, and specs भी the same one. Although I think my hair were a little better with time, and बिना लिपस्टिक के तो आई गेस आई लुक वेरी आई डोंट नो व्हाट टू से, एकदम बकवास लग रही हूँ. एंड अभी तो मैं फिलहाल बिना लिपस्टिक के कहीं भी नहीं जा सकती. एंड यार मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था, आई थॉट दिस पिक्चर वॉज सो गुड कि मैं इसको पासपोर्ट साइज फोटो बना लूँ. एंड अभी तो इसको देख के तो मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई पासपोर्ट साइज फोटो क्या, ये फोटो में बचाओ भी ना, लिटरली मैंने ये फोटो जहाँ जहाँ पोस्ट की थी मैंने उसको डिलीट कर दिए, बिकॉज दिस इज सच एन एम्बेरसिंग पिक्चर. बट तब मुझे काफ़ी बढ़िया पिक्चर लगा था ये वाला. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज एक्चुअली अ बेटर वन. ओके, डिग्री में मुझे किसी ने तो शायद थोड़ी सी बुद्धि दे दी, आई हैव वर्कड ऑन माई ग्रूमिंग स्किल्स. एंड एज यू गाइस कुड सी ये लड़की ने अभी चश्मा निकाल दिया है, अब ये बिल्कुल भी जस्सी नहीं है. आई वॉज वेयरिंग अ लेंस एंड लुक एट माई हेयर, यार कितने मस्त लग रहे हैं, वेरी वेरी शाइनी, बहुत अच्छा सा हेयर कट दिया है, एंड आई एम पोजिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से डिम्पल दिखा रही हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो मेरे लिप्स इतने ब्लैक लग रहे हैं. उस वक्त आई गेस मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया था, एंड आई थिंक दिस पिक्चर इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई टुक दिस आई गेस मैकडी में. नेक्स्ट पिक्चर विच आई हैव इज द वन जो जब मेरा यूट्यूब चैनल एक्चुअली स्टार्ट हो गया था तभी वाला पिक्चर है. सो लेंस तो अभी हमने लगाना स्टार्ट कर दिया था, अभी थोड़ा भूत आ गया कि भाई कलर्ड लेंस भी ट्राई करके देख ही लेते हैं. एंड हियर वी गो, कलर्ड लेंस पहना है मैंने, कर्ल्स किया है, कर्लिंग ट्यूटोरियल के ऊपर वीडियो डाला है, एंड एज यू गाइस कुड सी आई थिंक आई लुक वेरी वेरी गॉर्जियस. व्हाट यू गाइस थिंक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज एक्चुअली अ वेरी वेरी फनी पिक्चर, एंड आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ टेकिंग आउट दिस पिक्चर. इसमें मैंने आई डोंट नो मच्छर पिक्चर आई वुड डेफिनेटली कॉल इट, एंड इसमें मैंने अपना पूरा एक हेयर का एक स्टैंड लिया है, एंड कुछ पोज करने का ट्राई किया है, विच मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये
पिक्चर काफी बढ़िया आएगा, बट ओ माय गॉड एकदम गोबर टाइप का पिक्चर निकाला है. आई लुक सो बैड, आई कांट इवन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. सो या, नेक्स्ट पिक्चर इज एक्चुअली अ वेरी अपग्रेडेड पिक्चर, जहाँ पे ये बैंग्स वैंग्स ना काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका था. एंड आई वॉज लाइक कि चलो यार तुम तो काफी सुंदर हो, बैंग्स भी ट्राई कर ही लो. एंड हियर वी गो, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा बैंग्स कर लिया है, पूरा एंटायर मेरा लुक ही चेंज हो गया था लिटरली. एंड पीपल वो कॉम्प्लीमेंटिंग मी, एंड जैसे कि देख सकते हो आप थोड़ा लिपस्टिक विपस्टिक भी लगा लिया है, सो आई थिंक आई लुक बेटर. नेक्स्ट पिक्चर इज अगेन बैंग्स वाला पिक्चर, इसमें थोड़ा सा मैंने पोज वोज करने का ट्राई किया है एंड आई थिंक आई लुक क्यूट. व्हाट यू गाइस थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन. सो या, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये रिएक्शन वाला वीडियो काफी अच्छा लगा. इनकेस आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज पे रिएक्ट करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन. आई वुड लव टू डू सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइस. सो या, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.